इस लेसन में हम बात करेंगे 10 एमसीक्यू की, जो कि 16 सितंबर 2017 से लिए गए हैं और इसमें जो सितंबर के करंट अफेयर्स उन पे बेस्ड है और आपको यूपीएससी प्रीलिम 2018 में काफी मदद करेगा। तो लेसन पूरा देखिएगा दोस्तों, चालू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है दोस्तों। तो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो चिल्ड्रन है 6 से 14 वर्ष के, उनके लिए फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बिल्कुल ही सही बात है, सबको पता होनी चाहिए बात। राइट टू एजुकेशन हैज बिकम अ फंडामेंटल राइट बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये दोनों सही है, आंसर यहाँ पे है सी, बोथ 1 एंड 2। तो 21A क्या कहता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। और यहाँ पे वो क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 45 में क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर कर दिया अंटिल दे कम्प्लीट 6, तो 6 तक यहाँ पे डाल दिया। और फिर न्यू फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड कि जो भी पेरेंट या गार्जियन है और उनका जो जो चिल्ड्रन है वार्ड है उसको वो 6 से 14 के बीच में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ये सब ऐड हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। फिर ये देखते हैं दोस्तों कौन सा हरिकेन सही जगह है। तो काटिया इज इन मैक्सिको, हरमा इज इन फ्लोरिडा, दोनों सही है, आंसर यहाँ पे सी, बोथ 1 एंड 2। सो काटिया विच हिट मैक्सिको वॉज कंपेरेटिवली लेस पावरफुल, जो इरमा था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था जिसने फ्लोरिडा को हिट किया था। वीडियोज आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ICRC से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। तो अगर आपको ये देखना है कि ये कहाँ से पूछे जाते हैं तो आप जतिन वर्मा के हिंदू एडिटोरियल और हिंदू समरी को फॉलो कर सकते हैं unacademy.com पे। द वर्क ऑफ ICRC इज बेस्ड ऑन द जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949, ठीक है। ICRC इज एन इंडिपेंडेंट न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन एंश्योरिंग ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंस फॉर विक्टिम्स ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट अदर सिचुएशन ऑफ वायलेंस। देखो दोस्तों दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2। सो ये 1863 में एस्टैब्लिश हुए थे। ICRC जो है वो जिनेवा कन्वेंशन के ओरिजिन पे है और इंटरनेशनल रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट मूवमेंट इन सब में इंपॉर्टेंट है। सो इट बेसिकली डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स द इंटरनेशनल एक्टिविटीज विच आर कंडक्टेड बाय द मूवमेंट इन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स एंड अदर सिचुएशंस ऑफ वायलेंस। और जो ICRC है दैट ऑल्सो एंडेवर्स टू प्रिवेंट सफरिंग, ये क्या करती है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ और यूनिवर्सल ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल को काफ़ी प्रमोट करती है। 14 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पैंगलोंग पीस कॉन्फ्रेंस जो अभी रिसेंटली न्यूज में था वो किससे रिलेटेड था। सो इट वॉज रिलेटेड टू नेशनल रिकंसाइलेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन म्यांमार, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिसेंट रिफ्ट बिटवीन कतर एंड अदर अरब नेशंस। यहाँ पे है कि बेसिकली कतर हैज अलेजेडली फंड द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच आर बैक्ड बाय ईरान, सो आंसर यहाँ पे है ए। सो रिसेंट डिप्लोमेटिक रिफ्ट बिटवीन कतर एंड अदर अरब स्टेट्स लाइक सऊदी, बहरेन, UAE, इजिप्ट हैज बीन इमर्ज बिकॉज ऑफ एलिगेशन दैट स्मॉल गैस रिच कंट्री सपोर्ट्स एंड फंड्स टेरर थ्रू इट सपोर्ट ऑफ ईरान एंड मुस्लिम ब्रदरहुड। मुस्लिम कौन है, सुन्नी इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ग्रुप है विच आर आउटलॉड बाय बोथ सऊदी अरेबिया एंड UAE। तो आपको शिया सुन्नी वहाँ पे एक्सिस आपको एक बार देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, बोको हराम जो है वो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट टेरर ग्रुप है विच इज बेस्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया। ये बिल्कुल सही है। अल शबाब एक जिहादिस्ट फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है विच जो ईस्ट अफ्रीका में बेस्ड है, दोनों के दोनों सही है, यहाँ पे आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2। सो बोको हराम क्या है, चैड, नाइजर, नॉर्दर्न कैमरून, नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया में एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट टेरर ग्रुप है। और हराकत अल शबाब अल मुजाहिदीन, जिसको कॉमनली अल शबाब भी बोला जाता है, एक सलाफिस्ट फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है जो कि ईस्ट अफ्रीका में बेस्ड है और 2012 में इन्होंने अपनी एलिजेंस को अलकायदा से प्लेज किया था। और जो सलाफिस्ट मूवमेंट है, जो सलाफिज्म है, वो एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव मूवमेंट है विद इन सुन्नी इस्लाम, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। थर्ड विच इज फ्रीक्वेंटली इन न्यूज, ये क्या है। सो बेसिकली थर्ड एक कॉन्ट्रोवर्शियल US मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। सो क्या हुआ, साउथ कोरिया विल सस्पेंड एनी फर्दर डिप्लॉयमेंट ऑफ अ कंट्रोवर्शियल US मिसाइल डिफेंस सिस्टम अंटिल एन EIA का मतलब होता है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑर्डर्ड बाय न्यू प्रेसिडेंट मून जेइन इज फिनिश्ड। जो जब तक वो नहीं होगा, जब तक ऐसा है कि इसे शायद एनवायरमेंट में काफी ड्रास्टिक इम्पैक्ट आ सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इसलिए डिप्लॉय किया था ताकि न्यूक्लियर आर्म्ड जो नॉर्थ कोरिया है उनसे आपको गार्ड कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। डिस्पाइट रीजनेबली हाई ग्रोथ जॉब क्रिएशन इज मॉडेस्ट इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ग्रोथ इज हैपनिंग इन इंडिया मोर बिकॉज ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2, ठीक है। तो क्या होगा कि डिस्पाइट ग्रोइंग हाई ग्रोथ 7.5%, 8%, 9% जॉब क्रिएशन इज मॉडेस्ट बिकॉज ऑलरेडी हम एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को ही यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, आंसर यहाँ पे है वर्ल्ड बैंक, सबको पता होना चाहिए।
इंडिया करंटली 130th नंबर पे आता है 190 कंट्रीज में वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में, एंड इट इज़ फर्दर लोअर्ड एट 143 व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे बॉर्डर्स में काफ़ी ज़्यादा इशूज़ हैं। और लास्ट वो 10 क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विद इन द UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये बिल्कुल सही है। इट इज़ कंसर्न विद ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस मिटिगेशन अडेप्टेशन एंड फाइनेंस स्टार्टिंग इन द ईयर 2020। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों, आंसर यहाँ पे है सी बोथ 1 एंड 2, और आप ज़्यादा पॉइंट्स भी पढ़ सकते हैं। तो लेसन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।